हाँ बच्चों, डेरिवेटिव को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग इन्वर्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में कुछ और क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन लिखिए, वाई इजिकल्स टू टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ऐसा ही एक क्वेश्चन कर चुके थे, नीचे में था ये वाला टर्म और प्लस में था यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए इसको करते हैं, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है, ध्यान देंगे, चलिए मेरे साथ बने रहेंगे। क्या करेंगे, पुट एक्स इज टू क्या, एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, टेन थीटा। बात समझ में आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या पुट किया जाएगा, टेन थीटा। तो क्या लिखोगे आप, डी वाई बाई सॉरी वाई, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना अभी डी वाई बाई डी एक्स नहीं फाइंड कर रहे हैं। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स सही यहाँ तक, रूट अंडर वन प्लस क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या, टेन थीटा। सही यहाँ तक देखो भाई, देखो ठीक है। हाँ सर, तो रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं कुछ बोला गया है, बिना मॉड बाहर ले आओ, सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या, टेन थीटा। सही है, अब वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स सेक थीटा क्या लिख दोगे, वन बाई कॉस थीटा माइनस वन, टेन थीटा क्या लिख दोगे, साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। देखो यार, सही है यहाँ तक, सही है। हाँ सर, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करोगे तो आपका ये बचने वाला है, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। देखो तो ये बच रहा है क्या, एलसीएम एलसीएम लेने के बाद, सही है, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या, साइन थीटा। सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब ध्यान देना, वाई जी कस्टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा क्या लिख देंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। सही है, और नीचे साइन थीटा को क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। सही है, हाँ सर। अब टू से टू शहीद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। सही है, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, कंडीशन तो कुछ है नहीं, तो हटा लो इनवर्स उसको, ये क्या जाएगा, वाई की वैल्यू क्या, थीटा बाई टू, और थीटा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, यानी वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स का क्या था, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो भाई, देख लो, यही आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है सर। देख लीजिए, देख लो अच्छे तरीके से, आराम से, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स वाई क्या, वन प्लस एक्स। सोचो थोड़ा सा कि x की वैल्यू क्या रखा जाए, सोचो। देखो ऐसा फॉर्मेट कहीं भी लिखा गया था, रूट अंडर a माइनस एक्स या a प्लस एक्स, या वो रूट अंडर वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स। हाँ सर, तो पुट x की वैल्यू क्या, कॉस टू थीटा, वही इसको रूट से बाहर ला सकता है, कैसे, ध्यान देंगे। y इक्वल्स टू लिखेंगे टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉस टू थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, वन प्लस क्या, कॉस टू थीटा। सही है, देखो यहाँ तक सही है, वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता है, हाँ सर। और वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो टू से टू कैंसल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, कंडीशन कुछ है नहीं, तो मॉड वॉड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो इन्वर्स उसको हटा लीजिए, कंडीशन नहीं है, कुछ कंडीशन रहेगा तब सोचेंगे अपन, ठीक है, है ना। वो सिखाया हूँ मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो यहाँ पे मैं कंडीशन नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैं आपको टाइम पास करते रहूँ, मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी कंडीशनल क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लास्ट में एक आध दो क्वेश्चन ले लूँगा यहाँ पे भी। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से देखो इसको इधर ले आओ, तो कॉस इनवर्स एक्स यानी टू थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा कितना आ जाएगा, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। सही है, तो थीटा मतलब क्या, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई क्या, डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस वन बाई टू, और वही साइन इनवर्स वाला ही फॉर्मूला होता है, यही आंसर हो जाएगा। वन वन का मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, देख लो भैया, सही है। हाँ सर, जल्दी से लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए फटाफट, मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर।
धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, पढ़िए, कोई तकलीफ नहीं जाएगी, ठीक है। और डेरिवेटिव काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स में भी आपको काम देने वाला है और पूरा पूरा कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है, तो डेरिवेटिव को अपने को ढंग से पढ़ना है, सही है। यस सर। देख लो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, तो कुछ और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और करते हैं। चलिए आप बुक सॉल्व करना शुरू कर दो, शुरू के जो भी एक दो एक्सरसाइज हैं इनवर्स वाले क्वेश्चन तक वहाँ तक कर ले, कोई समस्या नहीं जाएगा आपको, ठीक है। समस्या जाएगा तो मैं बैठा हूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। पहले आप आरडी शर्मा का बुक सॉल्व करें, उसके बाद दूसरे किताबों पर जाएंगे, एक एक बड़े किताबों पर हमला नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 + x / 1 - x, ये ठीक है। हाँ सर, तो क्या करूँ यार, क्या करूँ, x की वैल्यू सोचो क्या पुट करेंगे। बहुत लोगों को लग रहा होगा cos 2 थीटा, नहीं tan थीटा, क्यों ध्यान दो क्यों ऐसा। चलिए क्या लिखोगे, y = tan इनवर्स, tan थीटा पुट कर दोगे तो ये 1 + tan थीटा और डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपको सीधा याद होना चाहिए, मैं बार बार एक ही काम नहीं करने वाला हूँ। इसकी वैल्यू मैं ला चुका हूँ पहले एक दो बार, इसका वैल्यू आता है tan पाई बाई 4 + थीटा, और ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो क्या tan पाई बाई 4 - थीटा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 + थीटा, थीटा वहाँ से रखिए रिप्लेस करके। ये बात बता दिया गया है पीछे के वीडियो में, ठीक है, ये आया कैसे, इससे ये कैसे आया, है ना। हमारा काम टाइम पास करना नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 और टेन इनवर्स का 1 / 1 + x². देखो भैया, कोई दिक्कत नहीं है सर, सही है। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो भी कर लेना, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, सेम क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, y = tan इनवर्स √(1 + x) - √(1 - x) / √(1 + x) और √(1 - x), ठीक है। अब देखो रूट लगा है तब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा, सही है। हाँ सर, तो x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करोगे भाई तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, y = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √(1 + cos 2 थीटा - √(1 - cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई √(1 + cos 2 थीटा और +√(1 - cos 2 थीटा, ठीक है। हाँ सर, अब क्या हो जाएगा जान दो, y = tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा, सही है। हाँ सर, और माइनस ये क्या आ जाएगा 2 sin² थीटा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 cos² थीटा, सही है, और प्लस और ये क्या 2 sin² थीटा, सही है भाई। देख लो ये √2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, y की वैल्यू जो बच जाएगा वो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, रूट से बाहर लाने पे cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है कि कोई नंबर रूट से बाहर आता है तो विथ मॉडुलस साइन आता है, ठीक है, तो आप इसका टेंशन ना लें। cos थीटा प्लस क्या sin थीटा, याद आया एक्सप्रेशन ये वाला। हाँ सर, सब में किसका डिवाइड मार दो, cos का, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर tan इनवर्स 1 - क्या tan थीटा और डिवाइडेड बाई क्या 1 + क्या tan थीटा, देखो तो यहाँ तक, देखो भैया देख लो, सही है। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो वाला गया यार पुराना वाला, बस ऊपर में माइनस है नीचे में क्या है प्लस है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर tan इनवर्स कितना tan पाई बाई 4 - थीटा आएगा, ये मैं क्या बोला था, अगर ऊपर में माइनस नीचे में प्लस तो यहाँ पाई बाई 4 - ऊपर में माइनस तो फाइनल भी माइनस,
और ऊपर में प्लस, तो फाइनली भी क्या प्लस ही आएगा। तो क्या जाएगा वाई की वैल्यू पाई बाई फोर माइनस क्या थीटा। अच्छा एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लिख देना इसकी वैल्यू ये, आप लिखना यहाँ पे वन को क्या लिखोगे टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा और वन प्लस ऐसे लिखना जैसे की तरीका से, है ना। अब ये क्या जाएगा वाई की वैल्यू आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस थीटा, कितना भाई थीटा यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, टू थीटा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा कितना वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। अब चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई फोर का जीरो, कॉस इनवर्स का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस वन बाई टू और वन बाई रूट अंडर क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखे देखे भैया डरना नहीं है, देख लो डरना नहीं है, डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया, सही है। हाँ सर मिटा दो, मिटा रहा हूँ भाई मिटा रहा हूँ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से लड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से करते हैं, समझ आया? यस सर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, बस बोले जा रहे हो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, y की वैल्यू tan इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर। ये देखो पिछले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ पे x दिख रहा होगा, देखो अरे ठीक है ऊपर में माइनस था नीचे प्लस था वो अलग बात है। पिछले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x था इसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो हम थोड़ा बुद्धि लगाएंगे और हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉस टू थीटा पुट करेंगे, समझ में आया? हाँ सर ठीक है, अब कोई काम खत्म। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉस टू थीटा पुट कर दियो कॉस टू थीटा और ये क्या वन माइनस क्या कॉस टू थीटा, सही है। होली डिवाइडेड बाई रूट अंडर वन प्लस क्या कॉस टू थीटा माइनस रूट अंडर क्या वन माइनस कॉस टू थीटा, सही है ठीक है। वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स वन प्लस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा, अरे क्या टू साइन स्क्वायर थीटा, सही यहाँ तक। फिर नीचे वाला टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या टू साइन स्क्वायर थीटा, टू से टू टू से टू टू से टू हर जगह कट जाएगा कैंसिल, सही है। हाँ सर देख लो भाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स ध्यान दियो cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा cos थीटा प्लस क्या sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, किसका डिवाइड कर दोगे सब में cos का, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा, ऐसे एक्सप्रेशन आपको बराबर दिखते रहेंगे, सही है। 11th क्लास में जो लोगों को मैं पढ़ाया हूँ आगाह करते आया था भैया कि ऐसे एक्सप्रेशन बराबर दिखेंगे, सीख जाओ 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, मानते नहीं थे उस समय तक, आजकल मानना शुरू कर दिए हैं, सबके साथ यही समस्या है, सही है। हाँ सर अब ध्यान देंगे, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा tan इनवर्स इसकी वैल्यू tan पाई बाई फोर प्लस क्या थीटा, है ना, कुछ कंडीशन है नहीं हटा दीजिए सीधा उसको पाई बाई फोर प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना रे बच्चा थीटा आ जाएगा सर टू थीटा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा कितना वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई फोर का जीरो और माइनस वन बाई टू वन बाई रूट अंडर कॉस इनवर्स का कितना वन माइनस ये जो भी है उसका स्क्वायर, तो एक्स पे पावर फोर और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू से टू कैंसिल कर लीजिए, बाकी देख लो कितना आंसर आ रहा है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या वन माइनस एक्स पे पावर क्या फोर, देख लो भाई देखो 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 सही है। हाँ सर कोई तकलीफ नहीं सर, क्वेश्चन देखो आपको डराने के लिए ऐसे क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कैसे दिए जाएंगे, ऐसा देख लो इधर ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन आपको डराने के लिए, y इक्वल टू tan इनवर्स
है ना, रूट अंडर वन प्लस लॉग एक्स लिख देगा यहाँ पे, माइनस वन माइनस लॉग एक्स, डरो मत, सेम क्वेश्चन है, और वन प्लस लॉग एक्स और प्लस रूट अंडर क्या वन माइनस लॉग एक्स, ये डराया जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन देकर, तो क्या दिक्कत है यार, क्या करोगे यहाँ पे, किसकी वैल्यू कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, लॉग एक्स की वैल्यू, सही है बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई अब देखो यहाँ पे इससे पीछे वाले क्वेश्चन पे जाइए, तो यहाँ पे क्या था x, अब कौन आ गया log x, तो हम किसकी वैल्यू cos 2 थीटा पुट करेंगे, log x की वैल्यू, log x की वैल्यू क्या cos 2 थीटा, तो 2 थीटा क्या जाएगा cos इनवर्स log x, थीटा कितना जाएगा 1 बाई 2 cos इनवर्स log x, तो यहाँ पे 1 बाई 2 cos इनवर्स log x आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे बड़े आराम से, मिटा रहा हूँ भाई जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर पबजी खेलते हैं, चंदन सर दिन रात पबजी खेल रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बोल बैठे हुए हम लोग, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू, सोचो x की वैल्यू क्या रखोगे, सोचो, सोचने की एक्टिंग करो जल्दी से, है ना, नहीं समझ में आया तो पुट एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा और रूट को फ्री कर लेगा, सही है, हाँ सर, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, है ना साइन थीटा, अब ध्यान देना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, कोई कंडीशन नहीं है तो मॉड शॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सही है मुझे भी पता है नंबर रूट से बाहर आता है विथ मॉडल साइन आता है, ठीक है तो साइन इनवर्स और ये क्या जाएगा साइन थीटा इंटू क्या वन बाई रूट टू और प्लस कॉस थीटा इंटू क्या वन बाई रूट टू, सही है क्या, हाँ सर, अब क्या आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ साइन इनवर्स है ना तो साइन का फार्मूला क्रिएट करने की कोशिश करो अंदर, तो क्या वन बाई रूट टू को लिख दूंगा कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस थीटा इंटू क्या साइन पाई बाई फोर, सिंगल साइन कॉस कन्वर्जन, ये बहुत बार आपको पढ़ाया गया क्लासेज में, साइन ए कॉस बी प्लस क्या कॉस ए साइन बी, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर प्लस क्या थीटा, ये साइन लिखा हुआ है, ठीक है हाँ सर, हटा दीजिए उसको, वाई की वैल्यू क्या पाई बाई फोर प्लस क्या थीटा, ठीक है हाँ सर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पहले रख लो क्या थीटा, थीटा रख लो, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा कितना आएगा थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, थीटा कितना साइन इनवर्स एक्स, तो वाई की वैल्यू कितना आ गया पाई बाई फोर प्लस क्या साइन इनवर्स एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कर लो, पाई बाई फोर का जीरो साइन इनवर्स का जानते ही हो, सही है वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, सही है क्लियर हो जी सर, सही है यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, मिटा रहा हूँ भाई मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, चलिए एक आध दो कंडीशनल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है वैसे कंडीशनल मैं पढ़ा चुका था आपको, ठीक है लेकिन तो भी करवा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और पहला तीन क्वेश्चन इसी में आंसर कर दे रहा हूँ, फर्स्ट है माइनस वन बाई रूट टू से बड़ा है x और वन बाई रूट टू से क्या है छोटा है, सेकेंड सही है वन बाई रूट टू से बड़ा है x और
क्या बोलते हो? वन से छोटा है। तीसरा, तीसरा क्या? माइनस वन से बड़ा है एक्स, और माइनस वन बाई रूट टू से क्या है? छोटा है। सही है? हाँ सर। देख लो भैया, देख लो यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तीन क्वेश्चन है विद कंडीशन है, अब ध्यान दियो। चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। x की वैल्यू क्या रखा जाएगा? साइन थीटा। सही है जी सर। तो x की वैल्यू साइन थीटा अगर रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर, समझ आ रहा है। अच्छा अब ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? बात यह है कि आपका माइनस क्या बोला गया है, गिवन क्या है? गिवन ये है माइनस वन बाई रूट टू से बड़ा है एक्स, और वन बाई पहले क्या इसी को सोल्व कर लो यार, सॉरी यार, है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा आपको तरीका ये रखना है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू साइन थीटा, और थीटा निकाल लो पहले, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद थोड़ा सा सुविधा होगा। आप थीटा फाइंड आउट कर लीजिए, थीटा कहाँ से कहाँ तक है। सुन लो, माइनस वन बाई रूट टू से बड़ा है कौन? एक्स, और वन बाई रूट टू से क्या है? छोटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था ना? हाँ सर। तो यानी माइनस वन बाई रूट टू से बड़ा है कौन? साइन थीटा, और वन बाई रूट टू से क्या है? छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया आपको हो तो मैं बता दूं। सुन लो कि जीरो से पाई बाई टू तक साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है, और इधर ऐसा बनता है, ये पाई बाई टू होता है, फिर यहाँ से मुड़ लेता है ग्राफ। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, और क्या माइनस पाई बाई टू होता है, काम देगा ग्राफ अपने को। सही है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है? वाई की वैल्यू वन होता है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होता है? माइनस वन होता है। सही है, ठीक है। हाँ, बस इसी बीच में आपको खेलना है, ठीक है। साइन इनवर्स का जहाँ से जहाँ तक रेंज होता है, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम किए। सही है, इसी के लिए इसका इनवर्स डिफाइंड है। हाँ सर। अब माइनस वन बाई रूट टू से बड़ा है साइन थीटा, और वन बाई रूट टू से क्या है? छोटा है। माइनस वन बाई रूट टू मतलब कहीं इधर निगेटिव साइड, माइनस वन बाई रूट टू, और माइनस वन बाई रूट टू साइन की वैल्यू क्या होगा? माइनस वन बाई रूट टू। पहले प्लस वन बाई रूट टू के बारे में तुम सोचो, प्लस वन बाई रूट टू कहाँ पे आएगा? ये तो पाई बाई टू ए वाला। सही है? हाँ सर। तो ये आएगा वन बाई रूट टू, सॉरी क्या बोलते हो, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। एक्स की वैल्यू कितना रख दिए? वन बाई रूट टू ना। एक्स की वैल्यू कितना रखिए? वन बाई रूट टू। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? पाई बाई फोर, अगर ये वैल्यू वन बाई रूट टू है तो। ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। या किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? एक्स और साइन थीटा का। किसका ग्राफ है? एक्स वर्सेस साइन थीटा। यहाँ पे एक्स है वाई एक्सिस की जगह पे, और यहाँ पे क्या है? थीटा है। ठीक है, हाँ सर। वैसे ही यहाँ पे माइनस वन बाई रूट टू आप रखोगे यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, देख लो भैया, देख लो। यानी कहने का मतलब ये है, माइनस वन बाई रूट टू से बड़ा था कौन? एक्स, और वन बाई रूट टू से छोटा था, यानी थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? माइनस पाई बाई फोर से बड़ा हो जाएगा थीटा, और क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा? प्लस पाई बाई फोर से क्या आ जाएगा? छोटा हो जाएगा। यही बात बताना था आपको सर। तो माइनस पाई बाई फोर सीधा लिख लिए होते, पाई बाई फोर सीधा लिख लिए होते, नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए, तो वाई की वैल्यू अब कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये माइनस पाई बाई फोर कहाँ पे आता है? माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर। माइनस पाई बाई फोर मतलब माइनस 45 डिग्री, इधर ये माइनस पाई बाई फोर है, और प्लस पाई बाई फोर मतलब इधर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को एंगल कवर कर रहा है। सही है, तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा? टू साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा। सही है क्या? सॉरी, टू साइन थीटा इंटू क्या? रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। कंडीशन है, कंडीशन है ना यार? हाँ सर। एक्स की वैल्यू साइन थीटा रख दिया तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। कंडीशन है, तो कंडीशन है तो रूट से बाहर लाएंगे तो विथ मॉडुलस साइन लाएंगे इसको बाहर, कॉस को। कोई भी नंबर रूट से बाहर आता है तो विथ मॉडुलस साइन आता है। थोड़ा दिक्कत जा रहा होगा आपको, मैं मानता हूँ,
मैं आपको बता दूं, रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी प्लस माइनस एक्स नहीं होता है, इसकी वैल्यू मॉड एक्स होता है। कितना होता है? रूट एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है? मॉड एक्स होता है। कभी भी प्लस माइनस एक्स मत बोलना। अब इस पर चर्चा करना होगा तो मेरे पास आ जाना कभी, है ना, चर्चा हो जाएगा। लेकिन आप प्लस माइनस एक्स पहले लिखते आ रहे थे, ये गलत तरीका था। हैं? हाँ ठीक है। अब सुन लो, ये एंगल कहाँ से कहाँ तक है? थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और कहाँ पे है? फर्स्ट में। अच्छा, फोर्थ और फर्स्ट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है यार, पता है? तो ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, ये पॉजिटिव है। और कोई भी पॉजिटिव नंबर मॉडुलस से, मतलब पॉजिटिव नंबर पे मॉडुलस पड़ा रहता है, तो मॉडुलस को हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब मॉडुलस से वो एजिटिव बाहर आ जाएगा। अरे पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर पे मॉड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये निगेटिव नंबर रहता तो सामने माइनस ले आ देते। सही है? हाँ सर। ठीक, क्या हो गया? साइन इनवर्स कितना हो गया? साइन टू थीटा। सही है क्या? तो वाई की वैल्यू, अब सुन लो, थीटा कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई बाय फोर से कहाँ तक? प्लस पाई बाय फोर तक। सही है? लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ क्या है? टू थीटा है। यहाँ क्या है? टू थीटा। तो सुन लो, माइनस पाई बाय फोर से बड़ा है थीटा आपका, और पाई बाय फोर से छोटा है। तो टू का इंटू कर दो ना, माइनस पाई बाय टू से बड़ा हो जाएगा टू थीटा, और प्लस पाई बाय टू से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सही है? सही है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता था। किसका याद है? अरे भैया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल जानना है तो वहाँ जाओ। ये किसका ग्राफ था? किसका था? ये पाई बाय टू होता था यहाँ पे, और ये क्या होता था? माइनस पाई बाय टू। ये साइन इनवर्स है ना साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था। सही है? अब यहाँ पे एक्स के जगह पे कौन बैठ गया? अरे टू थीटा। तो देखो, x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से अगर प्लस पाई बाई टू रहता था, तो ये लाइन का इक्वेशन होता था y इज इक्वल टू एक्स, मतलब एजिटिव बाहर ले आते थे इसको। तो आज भी वही है, टू थीटा कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक है। x की जगह पर कौन है? टू थीटा है। तो आज इसको क्या सीधा के लिख देंगे? टू थीटा। तो आपको लग रहा होगा, नहीं सर, इतना चोचलागिरी करने से अच्छा हटा दिए होते, नहीं करते तो भी आंसर यही आने वाला था। इस क्वेश्चन में स्पेशली आ रहा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चनों के लिए आपको तकलीफ हो जाएगा, समझ गए? तो y इज इक्वल टू टू थीटा। थीटा कितना है भाई? साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 2 बाई है ना 2 इंटू वन बाई रूट अंडर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो भाई, देखो देखो देखो। सही है? मैं आपको सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से डिस्कस करके बताता हूँ। सेकंड, हाँ सेकंड बताता हूँ। देख, लिख लो यहाँ तक। देखो भैया, सेकंड में आपको थोड़ा फीलिंग ज़्यादा आएगा, मिटा रहा हूँ। चलिए, हाँ सर, सेकंड बताओ, देखते हैं क्या बोलते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? काफ़ी दिक्कत है सर ये क्वेश्चन में। सेकंड जब तक नहीं बताओगे तो कोई दिक्कतें दूर नहीं होने वाली हैं। बात तो सही है भैया, ये सेकंड क्या बोलता है? चलिए आइए, सेकंड को करते हैं ना अपन। यस सर। चलिए, सेकंड क्या बोलता है? सेकेंड ये है, आपको पता है कि हम x की वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं? साइन थीटा। ये बात तो पता है, यानी वन बाई रूट टू से बड़ा है x। x मतलब क्या? साइन थीटा x ना, और वन से छोटा है। तो हम क्या बोले? हम ये बोले कि आप किसका ग्राफ बना लो? y वर्सेस थीटा या x वर्सेस थीटा, x और किसका? थीटा का। y एक्स की जगह पे x रख लो। सही है? तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है रे? वन यहां तक आता है पाई बाई टू पे, आता नहीं आता है? हाँ सर, इधर भी चाहो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ को थोड़ा बड़ा भी दिखा सकते हो, थोड़ा समझने के लिए मैं दिखा दे रहा हूं। सही है? हाँ सर, ये वन होता है यहां पे, कितने पे? पाई बाई टू पे। अगर थीटा पाई बाई टू हो तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा, है ना। थीटा पाई बाई टू रखूंगा तो एक्स कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। सही है? हाँ सर, निगेटिव साइड में अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, तो भी मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है? हाँ सर। अब वन तो पाई बाई टू पे हो गया, वन बाई रूट टू कहाँ पे होता है? अगर एक्स की वैल्यू कितना आ जाए, ये एक्स है, वन बाई रूट टू, एक्स कितना रख दो यहाँ पे? वन बाई रूट टू। तो थीटा कितना आ जाएगा? पाई बाई फोर, यानी पाई बाई फोर से बड़ा है थीटा, और पाई बाई टू से क्या है? छोटा है। यानी जो आपका थीटा है वो पाई बाई फोर से बड़ा है थीटा, और पाई बाई टू से क्या है? छोटा है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है। कौन सा क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट का। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। अब ध्यान देना भैया, अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा आपका, सुन लो, तो क्वेश्चन को आप सोल्व करो। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? टू साइन थीटा इंटू रूट अंडर क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। रूट से बाहर आएगा, मॉड लगेगा इस पर,
तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ क्या कॉस थीटा, थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अभी भी कॉस पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो एज इट इज बाहर निकालिए इसको, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, सही है? हाँ सर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, सही है क्या? हाँ सर। देख लो भैया, अच्छा अब सुन लो, थीटा पाई बाई 4 से बड़ा है, पाई बाई 2 से छोटा है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा के बारे में क्या ख्याल है, यानी पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा कौन, 2 थीटा, ठीक है? हाँ सर। और किससे, पाई से छोटा हो जाएगा, 2 का इसमें इंटू कर दिया, ठीक है? अब ग्राफ किसका बनाओगे, आपको याद होना चाहिए साइन इनवर्स साइन एक्स का, साइन इनवर्स साइन एक्स का आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको ग्राफ सिखाया हूँ, ऐसा बनता है। किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन एक्स का, या साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह पर क्या 2 थीटा एक्स का, समझ में आ रहा है? ये वाई है, क्या है, एक्स है, ये होता था पाई बाई 2 और ये होता था पाई और ये होता था 3 पाई बाई 2। अच्छा आपका जो 2 थीटा है, 2 थीटा मतलब एक्स, वो पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब ये रीजन में है, पाई बाई 2 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब ये है, ये है आपका वाई, ये वाली लाइन पाई बाई 2 से बड़ा पाई से छोटा, तो हमें इस लाइन के इक्वेशन से मतलब है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज़ इक्वल टू डिक्रीजिंग लाइन, याद करो तो कॉन्सेप्ट, तो माइनस एक्स और इंटरसेप्ट ऊपर जाके काटेगा यानी क्या प्लस पाई। अच्छा आज एक्स की जगह पर कौन है सर, 2 थीटा है, तो माइनस 2 थीटा प्लस क्या पाई, तो माइनस 2 थीटा, थीटा कितना साइन इनवर्स एक्स। देखो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान होते, तो ऐसी कोई बात नहीं है, देखो यहाँ पे निगेटिव आ गया, पुराने वाले में वाई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आया था, ठीक है? तो डी वाई डी एक्स और ये सब बात अपने बीच हो चुका है, सही है? ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं चर्चा किया हूँ इस पर। देख लो भैया, देख लो, समझ लो, ठीक है? हाँ सर, ठीक बोले, ठीक बोले, ठीक बोले, ठीक बोले, ठीक बोले, ठीक है? हाँ सर। अब चाहो तो आप इसको कर सकते हो, सही है? इसके लिए क्या करेंगे, देख लो भाई, मिटा रहा हूँ इधर, इसके लिए क्या करेंगे यार, देखना ध्यान देना, थोड़ा सा चीज़ें चेंज होगा, सही है? हाँ सर, ध्यान देना आप, इसके लिए क्या बोल रहा है, माइनस 1 से बड़ा है एक्स और माइनस 1 बाई रूट 2 से छोटा है, माइनस 1 तो यहाँ पे होता है यार, माइनस 1 बाई रूट 2 यहाँ पे होता है, माइनस 1 कब होगा, माइनस 1 कब होगा, अगर एक्स की वैल्यू माइनस 1 रखो थीटा कितना जाएगा, माइनस पाई बाई 2, और ऐसे ही क्या रखूँ, माइनस 1 बाई रूट 2 रखूँ तो कितना जाएगा, माइनस पाई बाई 4, सही है? यानी कहने का मतलब ये है कि आपका माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा थीटा और माइनस पाई बाई 4 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ, माइनस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस से नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव ही होता है, सही है? तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, यानी अगेन इसको सोल्व किया जाएगा तो ये बच जाएगा साइन इनवर्स क्या कितना साइन 2 थीटा, सही है? अब डायरेक्ट 2 थीटा नहीं लिखेंगे अपन, अब थीटा तो वो है यार, 2 थीटा के बारे में क्या ख्याल है, 2 का इंटू कर दो, माइनस पाई से बड़ा हो जाएगा कौन 2 थीटा और माइनस पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, सही है? देख लो भाई यहाँ तक, सही है? हाँ सर। अब ग्राफ बनाएंगे, निगेटिव साइड में ग्राफ की जरूरत है भाई, कहाँ जरूरत है, निगेटिव साइड में ग्राफ की जरूरत है, कहाँ भाई, निगेटिव साइड में, ध्यान दे लो, ध्यान दियो भैया, है ना? हाँ सर, निगेटिव साइड में जरूरत है सर, आगे बताओ, जल्दी से बताओ, ध्यान देना, निगेटिव साइड में ग्राफ बनाएंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स का, ऐसा उधर तो बनता ही था ऐसा और ऐसा, ये माइनस पाई बाई 2 सॉरी माइनस पाई होता था यहाँ पे, अब ग्राफ याद करो, ये क्या होता था माइनस पाई और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, सही है? और इसी बीच में अपना क्या है 2 थीटा है, तो इस लाइन का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू कौन सा लाइन, डिक्रीजिंग लाइन, क्या माइनस एक्स, और इंटरसेप्ट कहाँ काटेगा सर, निगेटिव साइड में जाकर, कितना जितना एक्स रहता है उतना ही वाई रहता है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई, तो एक्स की जगह पर क्या रहेगा भाई माइनस 2 थीटा और क्या माइनस पाई, तो थीटा मतलब क्या माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और क्या माइनस पाई, तो डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा माइनस 2 बाई रूट अंडर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कंडीशनल क्वेश्चन अच्छे होते हैं अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो, और कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो काफ़ी दिक्कत जाएगा, लिख लो यहाँ तक, स्क्रीन पॉज करो, लिखो जल्दी से,